मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। और ये भी आशा रखती हूँ कि आप सभी अभ्यास कर रहे होंगे। अभ्यास रेगुलर कीजिए, रोज कीजिए। ये एक लाइन है जो मैं रोज बोलती हूँ आपसे कि हमेशा अपनी क्षमता अनुसार, यानी जितना आपकी शरीर आपकी बॉडी आपको अलाउ करे उतना ही करना है, लेकिन रोज करना है। मन में ये संकल्प है कि हम रोज अभ्यास करेंगे और सुबह अगर समय नहीं है तो आप शाम के टाइम भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मॉर्निंग के लिए इसलिए बोला जाता है कि मॉर्निंग में आपका पेट पूरा खाली रहता है, पूरी रात की फास्टिंग भी होती है और आप खुद से इसको महसूस करके देखिएगा। आज अभ्यास से पहले यही छोटी सी चर्चा है कि जब आप रात की पूरी रात आपके फास्टिंग हो गई, एक तरह से आप सो रहे और सुबह मॉर्निंग में मन शुद्धि के बाद फ्रेश होकर आपने अभ्यास किया, तब अपनी क्षमता का आंकलन कीजिए और एक बार शाम के समय के भी अभ्यास कीजिए। जब आपका 3 या 4 घंटे का अगर व्यायाम नहीं है तो अभ्यास करके देखिए। जैसे कि अगर आपने 1 से 1.5 के बीच में लंच किया है, 1:30 तक आपने अगर दोपहर में लंच कर लिया हो तो आप 4:30 तक आप अभ्यास करें, फिर आपके दोनों समय के अभ्यासों में एक अंतर पहचानें। ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन है कि आप सबको, मैं यहाँ आपको सिर्फ तरीका बता सकती हूँ लेकिन करना आपको स्वयं है, आपकी अपनी यात्रा है। इसमें सिर्फ मैं आपके लिए सहायक के रूप में काम कर सकती हूँ लेकिन करना आपको खुद ही। तो आप जब दोनों समय के अभ्यासों को आपस में कंपैरिजन दोनों का करेंगे तो आप देख पाएंगे कि सुबह ज्यादा अच्छे से आप कर पाए एज कम्पेयर टू इवनिंग वाले अभ्यास। तो इवनिंग वाला जो है वो आपको उतनी परफॉर्मेंस आपकी उतनी अच्छी आपकी आउटपुट नहीं देगा जितना अच्छा मॉर्निंग। तो कोशिश कीजिए कि अभ्यास सुबह ही करें, शाम को प्राणायाम का करके रखें। शाम को समय नहीं है तो आसन भी कीजिए लेकिन शाम का समय आप प्राणायाम को दें और सुबह का समय आप योगासन दें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आहार दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है। आहार देखा जाए तो नंबर 1 पे होना चाहिए। नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि आपका आहार ही आपके शरीर में पोषण देता है, आपके शरीर को काम करने के लिए तैयार करता है। और आप ये समझ के रखिएगा कि जितना जैसा आहार आपने अपने शरीर को दिया है वैसा ही वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा, यानी आपकी आपका शरीर बताएगा आपने कैसा आहार खाया है। तो इसके आहार का बहुत विशेष ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए घर का बना शुद्ध ज्यादा भोजन कीजिए, तला भुना खाना है खा लीजिए, ट्रेडिशनल जो भी आपका फूड है जो आपके जिसको कहेंगे कि जो आपके पूर्वज खाते चले आ रहे हैं आपके घर में, किसी किसी घर में ट्रेडिशनल कुछ पकौड़े बन रहे हैं या कुछ और खाने की रेसिपी है तो वो आपके एक कहते हैं ना हमारे जीव में है तो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे आप, तो वो चीजें आप खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओकेजनली खाइए पर बहुत ज्यादा वो भी नहीं खाना है। बाकी अपना डेली का खाना आप उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बढ़ा दीजिए, अनाज को कम कर दीजिए। तो ये जो छोटे छोटे चेंजेस करेंगे आप छोटे छोटे उससे आपका वेट लॉस में आपको मदद होगी, जिन लोगों का वेट बढ़ा होगा। तो चलिए अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठना है, हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक कर ली, हाथों की हथेलियां इस तरह सामने की तरफ, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर आए शोल्डर के पास, सामने देखें, सामने देखते हुए होल्ड करके रखें पोजीशन को, 1, 2, 3 आंखें बंद कर लीजिए, स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ जितना आप शरीर को स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करें, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नीचे लाएंगे शरीर को ढीला छोड़, शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का तनाव खिंचाव रखें।
आंखें बंद, कोमलता से आंखें बंद के भी हमें उसे दबा कर नहीं करनी, आराम से पलक चुपकाते हुए धीरे धीरे आंखें कोमलता से अपनी श्वास प्रश्वास को देखिए, यानी शरीर भी आती हो जाती है, श्वास को देखिए। एक बार ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे, श्वास भर के करके छोड़ देंगे, श्वास भरेंगे, तो हाथों वापस नहीं आ गए। ॐ मस्तु मा शरीरम्, ॐ तपसो मा ज्योतिर्गम्, ॐ नित्यो मा अमृतम् लीजिए और अपने अपने मैट्स पर पैरों को आगे रखते ले जाएंगे। इस तरह से आगे पीछे पैरों के टखनों को अच्छे से चलाना है, एक पैर आगे एक पैर पीछे, और जब आगे वाला पैर आगे अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, पीछे वाला पीछे। अच्छे से इस तरह लगातार नॉर्मल रखिए, धीरे से पैरों को बीच में लेकर आए। अब यहाँ पर पैरों को एक पास कर लीजिए और पैरों को इन आउट, इसी तरह ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। अब इन्हीं पैरों को इस तरह से रोटेट कीजिए, इनहेल करते हुए अपने शरीर की तरफ पैरों को लेकर जाना है, एक्सहेल करते हुए बाहर कीजिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। इस तरह से रोटेशन करें, पैरों में जो दर्द रहता है वो भी समाप्त होगा और आपके जो रखने हैं मजबूत कर देगा। विपरीत दिशा में इसी तरह विपरीत दिशा में चक्र बनाए, उल्टी दिशा में घुटने भी होने चाहिए, घुटने आपके सीधे रहेंगे जमीन से लगे हुए, और कमर सीधी करके बैठने की कोशिश कीजिए। जो लोग नहीं कर पा रहे वो भले इस तरीके से कर लें, लेकिन कोशिश करनी है आपको कमर सीधी करके बैठना है और अभ्यास करना है। यहीं से अभी सीधा पैरों को पहले चलिए आप पैरों की उंगलियों को दबा लीजिए, अच्छे से प्रेस कीजिए, इसको अच्छे से करना है ताकि आपके यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं फिंगर्स के पास में ये सभी दबने चाहिए। जैसे हम हाथ के दबाते हैं ना, ऐसे मुट्ठी बनाना खोलना, ऐसे पैरों में भी पॉइंट्स यहाँ भी हमें अच्छे से प्रेस करना चाहिए। तो ये तो अभ्यास ऐसे हैं जो आप दिन भर में कभी भी किसी भी समय इनको करने के लिए भोजन का रिलेशन नहीं है कि आपने खाना कितनी देर पहले खाया, नहीं, ये आप कभी भी बैठ के कर सकते हैं। अभ्यास
पैर को उठाएंगे इस तरीके से, चली कीजिए अपने पैर को खुद से उठाएंगे। कई लोग नहीं उठा पाएंगे, बहुत नीचे होगा तो यहाँ से साइड में ले गए इस तरह से, लेकिन जो लोग ऊपर ले जाकर ऊपर और अच्छा स्ट्रेच फील कर पाएंगे आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यही से 10 का काउंट बटरफ्लाई हाफ बटरफ्लाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से अच्छे से हेड को उठाकर आप साइड ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से फिर आप थाई जॉइंट पर रखेंगे अपने पैर को इस तरह। आप हाउ बटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दोनों पैरों को एक साथ और दोनों पैरों के कंधों को एक साथ जोड़ेंगे और शरीर के जितनी पास आप पैरों को रख सकते हैं रखें और बटरफ्लाई। जो पूरा पैरों को ऊपर उठा कर देखिए ऐसे पूरा ला सकते हैं, पूरा बटरफ्लाई करने की कोशिश कीजिए इस तरह। ये अभ्यास आप रुक रुक के दोनों मतलब दोनों आपके पैरों को चलाना इस तरीके से, आप देखेंगे आपके शरीर में बहुत परिवर्तन आप महसूस करेंगे। ये बहुत ही सुंदर अभ्यास और बहुत प्रभावशाली विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। अच्छे से करना है, सीधा रखिए कमर को। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताती हूँ कई लोग उसको कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे ही करना है सीधा, ये सीधा रखना है शरीर को सीधा और फिर करना है हमेशा झुक कर नहीं करेंगे, शरीर को सीधा रखते हुए बटरफ्लाई करेंगे और जितना आप पैर को ऊपर उठा सकते हैं उठाएं और नीचे लेकर धीरे से अभ्यास में रुके पैरों को ग्रिप कर लीजिए इस तरह से, शरीर को सीधा अपने पैरों को जमीन की तरफ प्रेशर दें नीचे लेकर आए और शरीर को ऊपर की तरफ और जरूरी खिंचाव कीजिए, होल्ड करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 छोड़ दीजिए फिर यही से बढ़ जाती है। क्या कोर्स में तैयार रोज करना है उसको रोज करेंगे, ये नहीं होना चाहिए कि आज नहीं करना, नहीं कीजिए। आपके सूक्ष्म अभ्यास हैं जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में आपको मदद करेंगे। इस तरह कोहनियों को घुटनों के पास रखना है
फिर एक हाथ का नाम बना लिया, यहाँ शरीर को आगे लेकर आए इस तरीके से, कमर को नीचे की तरफ पुश किया और गर्दन ऊपर, पूरा हंच बनाया इस तरह से, हंच बनाया। इसके लिए की प्रैक्टिस आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले इंहेल एक्सेल इस तरह से पहले कमर को ही चलाएं, फिर हंच पूरा जो हंच बनाना है बाद में, और दाएं और बाएं हिप मूवमेंट करें इस तरह से, दाएं और बाएं ये करना है आपको अच्छे से। उसके बाद पूरा कैसे कैमल पोज, कैसे इनहेल एक्सेल, पूरा हंच बनाएंगे अच्छे से गोल करें, इनहेल एक्सेल, श्वास भरते हुए कमर नीचे गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरी पीठ से हंच बनाएंगे, इनहेल एक्सेल, धीरे से हिप अप इस तरफ थोड़ा सा इसको दिल के पास कर रहे हैं, होल्ड पोजीशन, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी तरह फिर से सामने ऐसे नाप लिया, वापस जाएंगे और क्या करना है, लेफ्ट हैंड को राइट साइड में निकालते हुए ये स्ट्रेच कीजिए, 1 इस तरह से, 2 दूसरे साइड से, 3 पूरा अच्छे से तिरछा इंटरेस्टिंग है अपर बॉडी, 4 5 6 साथ में सभी करें, 7 8 9 10। यहीं से अपने मैट्स पर सभी खड़े हो जाएं।
रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर आज हम अपनी फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं कर रहे हैं, साइड भी करेंगे। आज हम बैंडिंग्स पे ध्यान दे रहे हैं, तो फॉरवर्ड बैंडिंग और बैकवर्ड बैंडिंग के लिए सबसे पहले सबसे इजी वे होता है कि आप क्या कर रहे हैं, कमर पर इस तरह से हाथ रखते हैं, इनहेल और सामने सीधी कमर को रखते हुए एक्सहेल। ये सबसे सिंपल तरीका है, इनहेल एक्सहेल। टेन काउंट कीजिए सभी, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। सीधा कमर को लाते हुए नीचे आएंगे, अकेले होता क्या है, इनहेल करते हैं, शोल्डर स्ट्रेच कर रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, शोल्डर को पीछे खींच के रखते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता, नेक्स्ट लेवल क्या करना है हमें, नेक्स्ट लेवल में पैर को थोड़ा सा खोल लीजिए इस तरह से, और आप हाथों की इस तरह से बनाइए, चाहे पीछे आप इनहेल करेंगे, बैकवर्ड बेंड, एक्सहेल करते हुए आपस में ये पीछे वाली फिंगर्स को, हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और जितना हाथों को सीधा ऊपर लेकर आए, लेकर आने इससे क्या होगा, आपका जो शोल्डर का स्ट्रेच है वो अच्छा हो जाएगा, जो झुके हुए शोल्डर हैं वो पीछे की तरफ अलाइन हो जाएंगे, और आपके बैक में पीछे के पीछे वाले भाग में जो फैट इकट्ठा हुआ रहता है वो भी रिड्यूस होता है। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास होता है, इसको चलिए साथ में करें। लेग्स को ओपन कीजिए, एक बार फ्रंट से देख लेंगे, इनहेल एक्सहेल, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करते हैं, ऐसे ग्रिप छूटेगा दो राउंड करेंगे अच्छे से करना है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए फोर्ड, इनहेल एक्सहेल फोर फाइव सिक्स पीछे की तरफ आए हैं, एक बार मूवमेंट करेंगे अच्छे से, शोल्डर की मूवमेंट कीजिए, अब चाहे तो इस तरीके से पूरा रोटेट करें, इनहेल एक्सहेल थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ऑपोजिट साइड पीछे से आगे, वन टू थ्री
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shoulder up and down. बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, शोल्डर को बिल्कुल ढीला छोड़िए, पहले तो हाथों को इस तरह से शेक करिए, शेक योर हैंड्स. चलिए शोल्डर अप एंड डाउन, ऐसे बिल्कुल खींच के नहीं करना है, ऐसे वाला नहीं करना है, क्या करना है ढीला छोड़िए, बिल्कुल सहज तरह से बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए आप करें. अगले 10 चक्र के लिए उसको तैयार कर लीजिए, उसे आप दिमाग में आप साइड से देखेंगे, साइड से इस तरह आप देखिए, दो तरीके से आप इस तरह देख करके इस तरह हाथों को होल्ड करके बैकवर्ड बेंड कर सकते हैं. अब देखिए अपनी अपनी क्षमता अनुसार आप अपनी लेग्स पोजीशन को बनाइए, अगर आप और नीचे जाना चाहते हैं तो पैरों में हाथ न कर लें. इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंड. अपनी अपनी क्षमता अनुसार 9, 10. इस तरह से अब यहीं से ग्रिप छोड़ते हैं हाथों की, पैरों में और फासला बनाए, अच्छे से हाथों को पोजीशन को इस तरह से रखते हुए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, और अच्छा इम्प्रूव कीजिए हाथों को इस तरह से, हाथों से वॉक कीजिए, हैंड वॉक करनी है, और धीरे धीरे नीचे झुकते जाए, होल्ड करें पोजीशन को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जैसे यहाँ पर सामने हाथों को रख लीजिए, ये अब यहीं से हम ट्विस्ट करेंगे, कैसे करना है, 1, 2, 3, 4, 5, पूरा अच्छे से, 6, 7, 8, 9, 10, 10.
धीरे से अपने मैट पर स्ट्रेच कीजिए। पहले फिंगर स्ट्रेच करें, स्ट्रेच के लिए पैरों को नजदीक लेकर आए, ताड़ासन भी होल्ड कीजिए, ताड़ासन भी होल्ड करें, सामने देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाथों को नीचे लेकर आए, फिर से शोल्डर मूविंग करना है क्योंकि अच्छा खासा जब आप डिप करके हाथों को ऊपर नीचे लेकर बैकवर्ड और फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो काफी इस एरिया में पेन भी रहता है, तो इसको पहले रिलीज करना है, फिर नहीं रहने देना। कैसे करेंगे, फिर से 1, 2, 3, 4 पूरा रोटेट ऊपर आप लेकर आए, नीचे लेकर जाए, inhale, exhale, 7, 8, 9, 10 opposite side से पीछे से आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 शोल्डर अप एंड डाउन करेंगे, पहले शोल्डर को बिल्कुल हिला छोड़ दें, बिल्कुल हिला छोड़ दें, स्ट्रेच कर दें, एकदम हिला छोड़ते हुए, बिल्कुल टाइट नहीं करना है, हिला छोड़े सबसे पहले तो शेक कीजिए, हैंड्स को शेक करें, शेक करें, अब अप एंड डाउन हिला छोड़ दें। आज हम थोड़ा सा पश्चिम उत्तानासन और पूर्व उत्तान इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ट्विस्टिंग भी करेंगे। तो चलिए पश्चिम उत्तान करने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले अगर आपकी कमर में समस्या है तो आपको पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास नहीं करना है। कमर दर्द वाले लोगों को कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। आगे बेंड करने का ये अभ्यास है, इससे डाइजेस्ट भी बढ़ती है, डाइजेशन आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये आसन का प्रभाव पड़ता है। इसमें लंबी होल्डिंग्स कीजिए अगर आप कर पाते हैं, होल्डिंग को बढ़ाना है। लेकिन शुरुआत कैसे करनी है, आप जो कॉम्बिनेशन हो आप इसको हमेशा ध्यान रखिए कि काउंटर जरूर करना है। इवन मतलब आपने अगर पश्चिम उत्तान किया है आसन तो या तो आप पूर्व उत्तान और या आप उष्ट्रासन का अभ्यास इसके बाद जरूर जरूर से कर लीजिए, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग करते ही बॉडी को छोड़ देंगे और बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करके छोड़ेंगे तो आपको फिर पेन हो जाएगा। और यही छोटी छोटी गलतियाँ हम करते हैं जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम्स होते हैं और अभ्यास के द्वारा पेन नहीं होता। चलिए कैसे करना है, 1 इनहेल पहले काम कीजिए, स्ट्रेच करें, फिर से फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, सामने इस तरह पहले स्ट्रेच कर लें अच्छे से और यहीं से इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, श्वास भरें छोड़ें, श्वास भरें छोड़े, श्वास भरे छोड़े, श्वास भरे छोड़े, इस तरह से इन्हें एक्सहेल। आप देखेंगे ये आप देख पा रहे होंगे थोड़ी टी शर्ट लूज होंगी, देखी गई है कपड़े को पोजिशन देखते हैं पैर से आप टक करके बता रहे हो टी शर्ट को, इन्हें क्या ये आप कहाँ से जा रहे हैं अपनी लोअर से नीचे इस तरह लोअर बैक से नीचे
और जब तक आपकी खाल इस तरह पैरों के आगे नहीं जा रही तब तक आप माथा लगाने के बारे में न सोचिए। बहुत लोगों का टारगेट होता है कि हम बस सर लगा लें और क्या करते हैं आप देखिए ऐसे ये हंस रोल होते हैं, ये गलत है। आपको क्या करना है, आपको सीधा जाना है सामने जी। आपका पोजीशन दोनों पोजीशन में देखिए पर देखिए माथा को आप यहाँ भी लगा दें लेकिन आपको सामने देखते हुए आपने टमी को अपनी थाई से बेल्ट टच कराना है और फिर आप अपने माथे के बारे में सोचिए कि हमें बैक पे लगाना है सामने। अब जो लोग बहुत नीचे नहीं जा पा रहे हैं अभी अभ्यास बिगिनर्स हैं उनको क्या करना है इस तरह से जितना जा पाए लेकिन सीधा जाए ये उनका पोजीशन है। और जब आपके हाथ आपके पैरों से आगे जाने लगे उसके बाद देखिए क्या करना है एक्सेल किया सामने देखते हुए इस लेग को ग्रिप कर लिया कोहनियां जमीन पे लगाई होल्ड कर ली अब माथा आप लगा सकते हैं भाई 1 2 और चाहे तो इस तरह देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत बढ़िया स्ट्रेच आपके आप अपने थाइस में महसूस कर पाएंगे इवन काफ तक आपका बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है। मैंने बताया डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका बहुत प्रभाव पड़ता है आपकी स्किन पैनक्रियास लिवर सब पर इसका अच्छा प्रभाव देखने में मिलता है। अब इसके बाद इसके काउंटर में आप क्या करेंगे एक तो हो गया कि आप उठा इस तरह हाथों को इस तरह आप हथेलियां अंदर की तरफ भी रख सकते हैं और इस तरह बाहर की तरफ भी और धीरे से आप कमर को उठाते जाइए ऐसा। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम लोग नहीं कर पाते हैं वजन ज्यादा है या अभी प्रैक्टिस नहीं है क्या करना है आसान इस तरह से पैरों को फोल्ड कर लीजिए हाथों की पोजीशन ले लीजिए इस तरह से और फिर उठा लीजिए ये आपके लिए एक सपोर्ट क्रिएट करेगा। और इससे भी अच्छा अगर आप चाहते हैं और अच्छा स्ट्रेच आप बैकवर्ड करके चाहते हैं तो उष्ट्रासन का अभ्यास लेकिन उष्ट्रासन का अभ्यास किसको नहीं कर कमर दर्द वाले उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं वो पश्चिम उत्तान नहीं कर सकते लेकिन उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं लेकिन आपके घुटनों में अगर पेन है तो आप इसको नहीं करो। यहाँ पर भी पहले की प्रैक्टिस और फिर अभ्यास हमेशा ध्यान रहे पहले आसन से पहले की प्रैक्टिस इनहेल आप इस तरह से सपोर्ट रखे पैर कमर पे और इनहेल एक्सहेल श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंड श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड और उसके बाद उष्ट्रासन का अभ्यास के लिए सबसे पहले जब आपके बिल्कुल नए नए हैं अभ्यासी तो आपने ये अर्थ किया उष्ट्रासन उसके बाद आपने पैरों के पंजों को ऐसे उठा के एक रखना है ग्रिप करना है दूसरे हाथ से दूसरी एड़ी को ग्रिप किया अब कमर को आगे की तरफ पुश होल्ड करके रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे शीर्ष दर्शन में
इस तरह से आपके पंजे इस तरह से जमीन पर आगे पहले कैसे रखे थे ऐसे ही थोड़ा इजी है थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्लीज। अब यहाँ पर विकी इसी तरह कमर को आगे पुश करें होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर से पैर को खोल के सामने से देखिए कैसे चलना है इस तरह पैर को खोल लीजिए और दोनों हाथों को इस तरह पुश करते हैं आगे की तरफ होल्ड करिए अपने बीच पर फोकस कीजिए अपनी श्वास पे फोकस कीजिए फिर से वापस अंतिम अभ्यास है अपने दिमाग पर पैरों को आगे इस तरह से रख के फिर इनहेल करेंगे एक्सहेल 1 इनहेल एक्सहेल 2 इनहेल एक्सहेल आप देखिए हिप्स को बहुत ऊपर नहीं रखना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिर्फ देखें जो भी आपके सामने आंखें बंद करने के बाद आ रहा है उसको सिर्फ देखें और धीरे धीरे श्वास प्रश्वास पे ध्यान देकर जाएं शरीर में आती और जाती श्वास के रिदम से निष्ठा भाव से जैसे किसी और को आप देखते हैं वैसे ही आप अपनी स्वयं को देख सकते हैं आंखें बंद ये रखना है पूरी तरह से श्वास को समान लेकर श्वास गुरुदेवी श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शत्रु चालू 3 बार करो उसके बाद शांति
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु मुनयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखात् भवेत् मा कश्चिद् दुःखात् भवेत् ॐ शान्ति 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 ये सभी हाथ ध्यान पर रखें अपना ही अपनी क्रेडिट भी खोलें और धीरे धीरे ध्यान को खींचें। आज का अभ्यास यहीं पर समाप्त करेंगे और कल फिर आपके साथ जुड़ेंगे नए अभ्यास के साथ। डेली करते रहें और ना अच्छे से ध्यान दें। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को मेरा नमस्कार।